जी हाँ दोस्तों, सर्दियां चल रही हैं तो फैन हीटर तो सभी लोगों को चाहिए ही चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसके सामने गाइस हाथ नहीं लाया जा रहा है, बहुत ज्यादा हीट कर रहा है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूं सभी के सामने एक बार फिर से न्यू टाइम एंड न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करते हैं ग्लेन कंपनी के फैन हीटर की। जी हाँ दोस्तों, सर्दियां चल रही हैं तो फैन हीटर तो सभी लोगों को चाहिए ही चाहिए, और आप भी एक फैन हीटर सर्च जरूर कर रहे होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, 2000 वॉट का है और ISI सेफ्टी मार्क के साथ आता है। सबसे पहले मैं आपको इस बॉक्स का ओवरव्यू करा देता हूँ। यहाँ पर कंपनी की ब्रांडिंग है ग्लेन, फैन हीटर लिखा हुआ है, इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है HA7020। इसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए थर्मल कटआउट का उपयोग किया गया है और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ही PTFE वायर्स का उपयोग किया है, जिसकी वजह से आग वगैरह ना लगे। इस फैन हीटर को कैरी करने के लिए कंपनी ने इसमें एक हैंडल भी लगा कर दिया है। सिलेक्टर्स की बात की जाए तो कंपनी ने ओनली फैन, फैन विद 1000 वॉट और फैन विद 2000 वॉट की इसमें कैपेसिटी दी है। इस साइड के बॉक्स में भी कुछ डिटेल दी हुई है, जिस तरीके का इसके अंदर फैन हीटर निकलेगा वो यहाँ पर सामने छपा हुआ है। आप इसको कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हो और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। इस फैन हीटर का यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर कितनी सप्लाई लेता है वो लिखा हुआ है। इसकी डायमेंशन वगैरह यहाँ पर लिखी हुई है और यहाँ पर मंथ एंड ईयर मैन्युफैक्चर भी लिखा हुआ है। अगस्त 2021 का है, यानी कि 5-6 महीने हुए हैं इसको मैन्युफैक्चर हुए। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इसकी यहाँ पर MRP भी लिखी हुई है, 2595 रुपए। लेकिन इसकी एक्चुअल कीमत मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। चलिए फटाफट से अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और निकालते हैं बाहर इसमें से फैन हीटर को। भाई ठंड बहुत ज्यादा है, निकालते हैं इसको बाहर अनबॉक्स करने के लिए। ओ माई गॉड, कुछ अच्छी तरीका नहीं लगा। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है फैन हीटर, मॉडल नंबर लिखा हुआ है, ये इसकी यूजर गाइड है और क्या क्या दिया हुआ है इसमें, इसको कैसे यूज करना है सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहीं पर आपको इसका वारंटी कार्ड भी मिल जाता है, जो कि 1 साल की वारंटी मिलती है इसमें। इस बॉक्स में से मेन प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। ये थर्माकोल लगा कर दिया है इस प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए, काफ़ी अच्छी बात है। चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये आ गया है गाइस बाहर। इस बॉक्स में और क्या है देखते हैं। इस बॉक्स में गाइस और कुछ भी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए इस बॉक्स को रखते हैं साइड में, इस थर्माकोल को भी रखते हैं साइड में। इसकी कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरीके से पैकिंग दी है, इसको भी रखते हैं। पॉलिथीन को निकालते हैं बाहर। ओके, ये हैंडल दिया है कंपनी ने, मुझे लगा था ये शायद मूवेबल है। नहीं, मूवेबल नहीं है, इसको कैरी करने के लिए हैंडल है। चलिए इसकी पॉलिथीन को रखें साइड में सबसे पहले तो। और अब मैं आपको इसका ओवरव्यू करा देता हूँ। ये यहाँ पर आपको कंट्रोलर मिल जाता है ऑन ऑफ, यहाँ पर ये इससे ये इंडिकेट होता है, ऑन ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है। केवल फैन चलेगा अभी, और पहले नंबर पर अगर चलाएंगे तो हीटिंग करने लगेगा, वो भी 1000 वॉट पर, यानी कि 1000 वॉट पर। और अगर आप इसको यहाँ पर कर देंगे तो ये 2000 वॉट पर इसका फैन चलने लगेगा, यानी कि हीटिंग भी आपको मिलेगी 2000 वॉट पर। ठीक है, यहाँ पर एक इंडिकेटर दिया हुआ है और आप इसको इसकी हीटिंग वगैरह को यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर फैन की स्पीड होगी या फिर हीटिंग को यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। कट सी आवाज़ आती है, आप सुन रहे होंगे, ये देखिए गाइस। ठीक है, यहाँ से ये हवा को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि वैक्यूम करता है, और यहाँ से अपना आउटपुट देता है। इसी में एलिमेंट वगैरह लगे हुए हैं। इसकी अगर क्वालिटी की बात की जाए तो मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। ग्लेन की ब्रांडिंग है, डू नॉट कवर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप कवर बिल्कुल भी ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब आपको कवर इसको करना ही नहीं है, यहाँ से और वहाँ से ये वैक्यूम लेता है। मटेरियल की अगर बात की जाए इसकी क्वालिटी की, तो मुझे इसकी क्वालिटी फर्स्ट इम्प्रेशन में काफ़ी ठीक लगी है। इसको रखते हैं साइड में, इसकी वायर की क्वालिटी को देख लेते हैं। को निकाला मैंने बाहर। वायर की लेंथ गाइस इसमें ज़्यादा नहीं मिलती है, लगभग 1 मीटर के आसपास होगी। और इसका जो ये दिया हुआ है, इसके जो प्लग की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे फर्स्ट इम्प्रेशन में। 3 सेक्शन में आपको प्लग मिलता है, मेड इन इंडिया यहाँ पर भी कंपनी ने लिखा हुआ है। वायर की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वोल्टेज वगैरह यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको आप अपने हिसाब से देखिए। चलिए मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ इसको स्विच में, और फिर चालू करके दिखाता हूँ। इसको लगाया था मैंने, ओके ये लग गया है, स्विच को कर दिया मैंने ऑन।
ये देखिए गाइस, ओके इसको मैं सबसे पहले करूँगा इधर ऑफ, इसको मैंने यहाँ से चालू कर दिया है। यहाँ पर लाइट जल गई है लेकिन अभी ये चालू नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ से ऑफ है। मैंने फर्स्ट पर इसको जैसे ही किया वैसे ही केवल और केवल फैन इसका चालू हो गया। ये चालू हो गया है, ये हीट को एडजस्ट करने के लिए है कुल मिला के, अब आप ऐसे समझिए। ठीक है, यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको रखते हैं यहाँ पर और फर्स्ट पर लगाते हैं इसको। यहाँ पर मैंने फर्स्ट पर कर दिया है और इसका ये गाइस हीटिंग बढ़ाने के लिए है कि कितनी आपको गर्मी चाहिए। यहाँ से हीटिंग बढ़ती है और यहाँ से ऑन ऑफ होता है, फैन भी यहाँ से ऑन ऑफ ही होता है। इसके सामने गाइस हाथ नहीं लाया जा रहा है, बहुत ज्यादा हीट कर रहा है ये। चलिए इसके स्विच को ऑफ कर देते हैं। मुझे ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छा लगा है, इसकी प्राइस समय समय पर ऊपर नीचे होती रहती है, इस वजह से मैं इसकी प्राइस जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और इसका बेस्ट ऑफर बाय लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पर आप क्लिक करके इसको बेस्ट ऑफर में खरीद सकते हैं। दोस्तों मैं इस ग्लेन कंपनी के फैन हीटर को लगभग 3 से 4 दिन से यूज कर रहा हूँ और मुझे इसको यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, काफी अच्छी हीटिंग यह दे रहा है। मैं आपको यह फैन हीटर 100% रेकमेंड करता हूं। इसका बेस्ट ऑफर बाय लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसकी कीमत लगभग 1500 रुपए के आसपास रहती है और जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके इसकी प्रेजेंट टाइम में कीमत वहां पर देख सकते हैं। अगर आप कोई और भी फैन हीटर अच्छी क्वालिटी में लेना चाहते हो तो उसकी स्टार्टिंग ही 2000 रुपए के आसपास होती है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SHT यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हां भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।